चेटीचंड महोत्सव के तहत सिंधी समुदाय की ओर से एक शाम झूले लाल नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सिंधी समाज के नामी कलाकार परमानंद प्यासी के सिंधी भजनों और गानों पर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम एक शाम झूले लाल के नाम में सिंधी समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं गायक परमानंद प्यासी ने अपने भजनों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने सिंधी संस्कृति भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इंद्र कुमार तोलानी, सुरेश वागवानी, हितेश ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहनदास वागवानी थे। तो इस सृष्टि पर सबसे पहली सभ्यता, सबसे पहली संस्कृति, सबसे पहली सुसंस्कृत भाषा जिसके 56 अक्षर हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश की किसी भी लिपि में 56 अक्षर नहीं है। सिर्फ भारतीय संस्कृति की पहली, विश्व की पहली संस्कृति, विश्व की क्या सृष्टि की, ब्रह्मांड की, भारतीय सिंधु सभा, भारतीय संस्कृति जो सिंधु संस्कृति के नाम से पहचानी गई, उसके बाद चीन की और फिर यूनान की, 56 अक्षरों सहित, लिपि सहित यह सभ्यता जो विश्व में पनपी आगे बढ़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी प्रसिद्ध है। बहुत सारा वृत्तांत मैं कर सकता हूँ भारतीय सिंधु और सिंधु समाज के बारे में, सिंधी समाज के बारे में, लेकिन आज संक्षेप में मेरा इतना ही कहना है, हमारा सौभाग्य है कि सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदू स्थान बना, इसलिए संपूर्ण संस्कृति को समेटे हुए आज का यह भगवान झूलेलाल के नाम का कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय श्री परमानंद जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, और यहाँ सिंधी जागृति संगठन के हमारे श्री ठाकुरदास जी, हमारे सुरेश सद्दानी, हमारे रमेश नारवानी और हमारे अर्जुनदास तख्तानी सहित पूरी टीम देख रहे हैं आप, जवानों की टीम है, और एक रंग में है, वो रंग है भगवा। भगवा संस्कृति की यह सभ्यता, यह सिंधु की सभ्यता, यह सिंधु नदी के जो विश्व की उस नदी को कोई लेकर के नहीं गया, स्वयं कैलाश मानसरोवर सरोवर से निकल कर और मानसरोवर झील में समाते हुए और जाकर के सिंधु मुख कहते हैं लद्दाख में, और वहाँ सिंधु सभा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, उसके बाद कारगिल, उसके बाद पूरे और पंजाब होते हुए सिंध में जाती है। मेरी जिंदगी में पहली बार अलवर की नगरी में और इस शानदार ऑडिटोरियम, प्रताप ऑडिटोरियम हॉल में मेरे समाज के सिंधी भाइयों ने चेटी चंद के उपलक्ष्य में इतना शाही प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में आज एक स्वर्ग की अनुभूति कर रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी को और महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप इस मंच के माध्यम से? महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को एक ही मेरा अर्ज है, जो संदेश मैं देना चाहूँगा कि यही महिलाएं, ये हमारी बेटियाँ, ये हमारी घर की जो भी बहुएं हैं, उन्हीं पर पूरे घर को संस्कार की सरिता है, वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से संस्कार पैदा होते हैं हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, जो दूर दूर तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं कहूँगा मेरे समाज की माताओं और बहनों को कि हमेशा इसी तरह अपना संस्कारों की नदी में से डुबकियां हम सबको लगवाती रहें। धन्यवाद।